Hello everyone, let us design some more PDAs for the languages. Let's say the languages A power N, B power M and C power N. तो यहाँ पे A और C की संख्या सेम है. Let's say N M is greater than or equal to 1. So A और C की संख्या सेम है और कितने भी बीस इसमें हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 भी जरूर होगा. इसके कुछ स्ट्रिंग्स अगर हम देखें, सो लेट्स से ए पावर 1, बी पावर 1, सी पावर 1, या ए स्क्वायर सी पावर ए स्क्वायर बी पावर 1 एंड सी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब बी स्क्वायर एंड सी क्यूब. इस तरह से ए और सी की संख्या सेम होगी और बी की जो संख्या है वो कम से कम एक हमारे पास होनी चाहिए. तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजंस ए और सी की संख्या का करना है. मान लेते हैं स्टैक का टॉप जेड जीरो है और जो इनपुट हमने लिया है दैट इज ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब. सो मेरे पास जितने भी एज आएंगे मैं इनको स्टैक पे पुश करूंगा. तो एक्शन हैज बीन डिसाइडेड फॉर ए. जब बी आएगा तो मैं कोई भी चेंज, बी आएगा और स्टैक के टॉप पे ए अगर होगा तो मैं कोई चेंज नहीं करूंगा. जितने भी बीज आते रहेंगे मैं इसके लिए कोई चेंज नहीं करूंगा. फिर जब सी आएगा तो मैं पॉप करूंगा स्टैक को, फिर सी आएगा मैं स्टैक को पॉप करूंगा, फिर सी आएगा मैं स्टैक को पॉप करूंगा. लेकिन जैसे एप्सिलॉन आएगा और मुझे स्टैक के टॉप पे जेड जीरो दिखेगा तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है. तो आइए इसके लिए पीडीए डिजाइन करते हैं. सो वी हैव अ क्यू जीरो स्टेट. अगर क्यू जीरो स्टेट पे मुझे इनपुट अल्फाबेट ए मिलता है और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो है तो मैं इसको पुश कर दूंगा स्टैक पे. सो लेट्स टेक स्टैक जिसमें जेड जीरो इनपुट सिंबल स्टार्ट स्टार्ट सिंबल है. मैंने ए को पुश कर दिया अगर मुझे ए इनपुट मिला. इसके बाद एक और ए अगर मुझे मिला और स्टैक के टॉप पे भी ए है तो मैं इसको भी पुश कर दूंगा स्टैक पे. तो अगर इनपुट टेप जो हमने यहाँ पे लिया है, तो दिस इनपुट टेप वी आर पिकिंग अप द सिंबल्स वन बाय वन. सो सबसे पहले मैंने ए को पिक कर लिया, फिर ए के और पिक किया. अगर मैंने ए के और पिक किया तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये एक्शन डिफाइंड है ऑलरेडी. स्टैक के टॉप पे मुझे ए मिलेगा और इसके कोरिस्पॉन्डिंग मैं पुश कर दूंगा इसको. जब मुझे बी मिलेगा, जैसे ही बी मिलेगा मैं स्टेट को चेंज करूंगा. तो मुझे मिला बी और स्टैक के टॉप पे ए मुझे मिला, तो मैं कोई भी चेंज नहीं करता हूँ, स्टैक के टॉप पे ए ही रहने देता हूँ. आई एम डू नॉट मेक एनी चेंज, लेकिन आई मूव टू स्टेट नंबर क्यू वन. तो इससे ये इंश्योर हुआ कि एक बी आ गया है मेरे पास. अब बी की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है, स्टैक के टॉप पे मुझे ए ही दिखेगा. सो आई विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस, ए को ए ही रहने देंगे स्टैक के टॉप पे. तो चाहे जितने भी बीज आए मैं स्टैक के टॉप में कोई चेंज नहीं करने जा रहा. जैसे ही मेरे पास सी आएगा मैं फिर से स्टेट चेंज करूंगा और मैं पॉप करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे सी और ए का कंपेरिजन करना. तो मुझे ए मिला, सी आया और ए स्टैक के टॉप पे है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा. तो सी आया स्टैक के टॉप पे, ए था, मैंने पॉप एक्टिविटी परफॉर्म की. हो सकता है कि सीज और हो तो मैं उसके लिए भी यही एक्शन लूंगा. सी आया मेरे पास, ए स्टैक के टॉप पे है, मैं इसको पॉप कर दूंगा. एप्सिलॉन लिखने का मतलब है कि मैं पॉप कर रहा हूँ. तो एक सी आया पॉप किया, दूसरा सी आया पॉप किया, तीसरा सी आया तो भी पॉप किया. अब इसके बाद टेप से मुझे एप्सिलॉन मिल गया. तो अगर मुझे एप्सिलॉन मिला तो मैं एक्सेप्टेंस स्टेज की तरफ जाऊंगा, मतलब कि यू फाइनल स्टेट की तरफ जाऊंगा. नाउ एप्सिलॉन मुझे मिला है, स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है क्योंकि स्टैक से सारे सिंबल पॉप हो चुके हैं, तो मैं इसको जेड नॉट ही छोड़ दूंगा और फाइनल स्टेट में मूव करूंगा. सो दिस इज हाउ दिस पीडीए इज डिजाइन. तो इसके लिए हम ट्रांजिशन फंक्शंस लिख लेते हैं. सो सबसे पहले मैं क्यू जीरो स्टेट में हूं, मुझे स्मॉल ए मिला और स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है, तो मैं क्यू जीरो स्टेट में मूव करूंगा और ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा. फिर मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ, मुझे ए मिला और स्टैक के टॉप पे भी ए था, तो मैं इस ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा. फिर मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ और मुझे बी मिला और स्टैक के टॉप पे ए था, तो मैंने स्टैक के टॉप को बिना छेड़े हुए Q1 स्टेट में मैं मूव कर गया. मैं Q1 स्टेट में था और मुझे कुछ 20 और मिले और स्टैक के टॉप पे ए ही है, तो मैं Q1 स्टेट में ही रहा
लेकिन कोई स्टैक के टॉप में चेंज नहीं किया। जब मुझे सीज मिले तो पहला सी मुझे मिला, मैं Q1 स्टेट में था और स्टैक के टॉप पे ए सिंबल था, तो मैं सबसे पहले मूव किया Q2 स्टेट में और पॉप कर दिया सिंबल को, स्टैक के टॉप सिंबल को। मैं Q2 स्टेट में हूँ और मैं सी मिला एक स्टैक के टॉप पे है, तो मैं Q2 स्टेट पे रहूंगा लेकिन पॉप एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा। नाउ अगर मैं Q2 स्टेट पे हूँ और मुझे एप्सिलॉन मिला और स्टैक के टॉप पे मुझे जेड नॉट दिखता है, तो मैं विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू द स्टैक टॉप आई एम मूविंग टू द फाइनल स्टेट। सो इफ आई मूव टू द फाइनल स्टेट विद सम सिंबल, इट मींस दैट दैट स्टिक इज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए। सो दिस वे वी आर एबल टू डिजाइन पीडीए फॉर ए पावर एन, बी पावर एम, सी पावर एन, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सो वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।